Good morning students this is the 6th video of this chapter that is chapter 1 crop production and management so in the previous video we were discussing about the methods of irrigation both traditional methods and modern methods in this video we will start with 1.7 protection from weeds now weeds are simply unwanted plants हमारी फील्ड में किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन वाली फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स जंगली पेड़ उग जाते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं भूजू एंड पहेली वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ व्हीट प्लांट्स जब हम किसी फील्ड में एक ही तरीके के पेड़ उगाते हैं तो हम उसको क्रॉप बोलते हैं भुजू और पहेली एक ऐसी फील्ड में गए जहाँ पर वीट का प्रोडक्शन हो रहा था तो उस फील्ड में सारे वीट प्लांट्स होने चाहिए लेकिन उस फील्ड में कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जो कि वीट प्लांट नहीं था इसीलिए उनको पता चला कि ये कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं इन फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप तो हमारे क्रॉप के साथ कुछ अनवॉन्टेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं उनको हम वीड बोलते हैं दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग अब इन अनडिज़ायरेबल या अनवॉन्टेड प्लांट्स को उस फील्ड में से हटाना उनको रिमूव करना इस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपीट विद द क्रॉप प्लाट्स फॉर वाटर न्यूट्रिय स्पेस एंड लाइट नं सी अगर हमने किसी फील्ड में क्रॉप उगाए हैं तो हमने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए उन क्रॉप्स के लिए वाटर प्रोवाइड कराते हैं हम हमने प्रीवियस वीडियो में ये प्रोसेस पढ़ी थी वाटर प्रोवाइड कराने को हम इरिगेशन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स हम ऐड करते हैं मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में तो ये सारे जो हमने हमारे मेन क्रॉप के लिए उस फील्ड में या उस सॉइल में ऐड करें ये सारे उन वीड्स के पास भी जा रहे हैं ऑटोमेटिकली तो ये न्यूट्रिएंट कंटेंट और ये वाटर सप्लाई गैसेस कंटेंट ये सब हमारे अनवांटेड प्लांट्स भी ले रहे हैं हमारे क्रॉप में से तो क्रॉप और वीट में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसीलिए ये हमारे क्रॉप के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है न्यूट्रिएंट्स वाटर गैसेस ये सब क्रॉप के लिए कम पड़ जाते हैं तो फिर उनका प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है प्लांट ग्रोथ क्रॉप ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है इसीलिए वीड्स को हटाना ज़रूरी होता है ताकि लाइट स्पेस वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमारे मेन क्रॉप के पास ही रहें ये सब वीड के पास नहीं जाएं दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें उन वीट के पास भी चली गई तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स अब जब क्रॉप को हम हार्वेस्ट करते हैं तब अगर वो वीड्स क्रॉप के साथ आ गए तो कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं सो so, ये पॉइजनस वीड्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के पास नहीं आए उनके तक नहीं आए इसीलिए इन वीड्स को हटाना इम्पॉर्टेंट होता है फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज़ टू रिमूव वीड्स अब वीड्स हटाने के लिए फार्मर्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और उनकी ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए भी फार्मर्स बहुत सारे तरीके अपनाते हैं टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अप रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स हमने फर्स्ट प्रोसेस जो पड़ी थी बेसिक प्रैक्टिस जो पड़ी थी क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो थी टिलिंग या फिर जिसको हम प्लॉइंग भी बोलते हैं तो टिलिंग और प्लॉइंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं हम सॉइल को बार बार टर्न करते हैं ताकि वो सॉइल लूज हो जाए अब जब हम सॉइल बार बार टर्न कर रहे हैं तो जहाँ पर वीट ग्रोथ है वहाँ से वो वीट ऐसे उखड़ जाता है तो वो वीट वहाँ से हट जाता है तो वीट हटाने की प्रोसेस में टिलिंग और प्लोइंग एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है सीड्स सो करने से पहले ये प्रोसेस करते हैं इसीलिए हमारे क्रॉप्स के साथ ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं वीट्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ weeds इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस flowers और सीड्स Weeds हटाना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे पहले कि वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करें अगर वीट प्लांट ने सीड्स प्रोड्यूस कर दिए ठीक है तो वो और वीड्स उग जाएंगे वहाँ पर इसीलिए सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले और फ्लावर्स प्रोड्यूस करने से पहले ही हम वीट को हटा देते हैं द manual रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds by अप रूटिंग एंड कटिंग close क्लोज टू द ग्राउंड अब वीड हटाने के लिए दूसरा मेथड होता है कि फार्मर्स अपने हाथ से वीट हटाते हैं हाथ से पेड़ उखाड़ देते हैं या फिर उनको कट कर देते हैं ताकि वो वीट ग्रोथ नहीं हो सीड्स प्रोड्यूस वीट के नहीं हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी या तो हाथ से कर सकते हैं या फिर खुरपी लेकर कर सकते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि खुरपी जो होती है वो सॉइल को टर्न करने में या पेड़ उखाड़ने में या पॉट को लेवल करने में हेल्प करती है तो खुरपी का एक और यूज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो वीड हटाने में भी अनवांटेड प्लांट्स हटाने में भी हेल्प करती है सीड ड्रिल हमने जब सोइंग का मेथड पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर में तो हमने पढ़ा था कि सीड ड्रिल जो होता है वो सीड्स को सो करने के काम में लिया जाता है क्योंकि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें टिल्टेड रॉड्स होती हैं इक्वल डिस्टेंस पे जो कि हेल्प करती है यूनिफॉर्मली और इक्वल डेप्थ पर सीड्स को सो करने में तो सीड सो करने के लिए जो सीड ड्रिल यूज़ में लिया जाता है वही सीड ड्रिल वीड को हटाने में भी काम में लिया जा सकता है वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडी साइड्स ठीक है कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिसको हम वीडी साइड्स बोलते हैं क्योंकि वो वीट हटाने में हेल्प करते हैं ठीक है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीट की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनको कंप्लीटली किल कर देते हैं दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द weeds. अब ये यूज में कैसे करते हैं इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में ठीक है द वीडी साइड्स आर diluted with वाटर to the एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन the fields with a sprayer. अब जिस फील्ड में कम वीड है वहाँ पर कम वीडी डी साइड की ज़रूरत होती है इसलिए उसको ज़्यादा डायल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ लेकिन जहाँ पर ज़्यादा वीड ग्रोथ है तो वहाँ पर ज़्यादा वीडी डी साइड की ज़रूरत है इसलिए उसको कम वाटर के साथ डायल्यूट किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू वीट ग्रोथ ये डायल्यूशन की प्रोसेस चलती है सी फिगर वन पॉइंट सिक्स में आप देख सकते हो कि ये जो इंसान है ये वीडी साइड पूरे फील्ड पे स्प्रे कर रहे हैं जहाँ पर भी अनवांटेड प्लांट्स हैं ये वहाँ पर स्प्रे किए जाते हैं नाउ एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडी साइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लारिंग एंड सीड फॉर्मेशन अब प्लांट्स का जो फ्लावर होता है वो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि बाकी प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ठीक है तो वीड्स को हटाने के लिए हम फ्लावरिंग का वेट नहीं करते मतलब हम प्लांट्स के सेक्सुअल पार्ट का ग्रो करने का वेट नहीं करते हम वेजिटेटिव ग्रोथ वाले एरिया में ही हम वीट को ख़त्म करने के लिए वीडिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं तो जो प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ वाला पार्ट होता है जहाँ पर फ्लार्स और सीड फॉर्मेशन नहीं होता है उस टाइम ही हम वीडीसाइड स्प्रे करके वीड्स को ख़त्म कर देते हैं स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर अब वीडीसाइड्स प्लांट के लिए तो हार्मफुल है ही प्लांट की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही लेकिन साथ साथ में वो फार्मर्स और बाकी ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल होता है सो दे शुड यूज़ देर केमिकल्स वेरी केयरफुली इसलिए उनको वीडी साइड्स जो केमिकल्स हैं उसको बहुत ही केयरफुल यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही हार्मुल केमिकल्स हैं दे शुड कवर देर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिज केमिकल्स उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपना नोज़ और अपना माउथ कवर करें जब वो वीडी साइड्स स्प्रे कर रहे हैं या फिर आप किसी फील्ड में प्रेजेंट हो जहाँ पर वीडी साइड हो रहा है वहाँ पर आप अपना माउथ और अपनी नोज को कवर कर लेना क्योंकि वीडी साइड बहुत ही हार्मफुल होते हैं नाउ आफ्टर रिमूवल ऑफ वीड वील मूव टू हार्वेस्टिंग सो वी आर स्टार्टिंग विथ वन पॉइंट एट हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग जब एक क्रॉप मेच्योर हो जाता है तो उसको काटने की बारी आती है फसल काटते ना आपने सुना होगा तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट करना तो जब कोई क्रॉप मेच्योर हो जाता है उसको कट किया जाता है इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड क्रॉप्स को या तो हम खींच लेते हैं पुल कर लेते हैं ग्राउंड में से या फिर उसको बिल्कुल पास में से कट किया जाता है जैसे ग्राउंड की बिल्कुल पास जो क्रॉप है ना बिल्कुल लास्ट पार्ट क्रॉप का उसको कट किया जाता है इट यूजली टेक्स थ्री टू फोर मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर किसी भी सीरियल क्रॉप को मेच्योर होने के लिए तीन से चार महीने लगते हैं इन तीन से चार महीने जब वो मेच्योर हो जाता है उसके बाद हार्वेस्टिंग करी जाती है हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज इधर डन बाय मैन्यूअली बाय स्किल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में दो तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है एक तो ये सिक्किल जो आप फिगर वन पॉइंट सेवन में देख सकते हो सिक्किल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो जिसमें एक रॉड है पकड़ने के लिए और ऐसे बिल्कुल राउंड में कर्व्ड में एक आयरन रॉड होती है इससे हम फसल को काटते हैं हार्वेस्ट करते हैं या फिर एक मशीन होती है हार्वेस्टर उससे हम हार्वेस्टिंग करते हैं इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड एक हार्वेस्टेड क्रॉप जो होता है उसमें से हमको सीड सेपरेट करने पड़ते हैं इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कम्बाइन ये आपको मशीन दिख रही है फिगर 1.8 में इस मशीन का नाम है कम्बाइन इससे क्या करते हैं कि हम सीड्स को सेपरेट कर देते हैं हार्वेस्ट के टाइम थ्रेशिंग की प्रोसेस करने के लिए कंबाइन मशीन की ज़रूरत होती है विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर अब ये एक हार्वेस्टर के लिए तरह भी काम करता है और एक थ्रेशर की तरह भी काम करता है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन ग्रेन एंड चैफ बाई विनोइंग जिन फार्मर्स का लैंड कम होता है तो वो ग्रेन को सेपरेट एक विनोइंग की प्रोसेस से करते हैं विनोइंग की मशीन आप फिगर वन पॉइंट नाइन में देख सकते हो ऐसी दिखती है विनोइंग की मशीन कंबाइन मशीन से बिल्कुल अलग है तो ये सिर्फ स्मॉल फील्ड में या स्मॉल एरिया ऑफ लैंड में ही यूज करी जाती है हार्वेस्ट समझ आ गया नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड there कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट हमने बोला कि किसी भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में तीन से चार महीने लगते हैं तो इन तीन से चार महीने बहुत मेहनत करनी पड़ती है फार्मर्स को तो इतने हार्वेस्ट सॉरी इतने हार्ड वर्क के बाद फाइनली हार्वेस्ट का टाइम आता है इसीलिए इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स अब क्योंकि फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं उस क्रॉप को ग्रो करने में तो जब वो एक ऐसे गोल्डन फील्ड्स देखते हैं जब क्रॉप्स मेचोर हो जाते हैं तो वो गोल्डन हो जाते हैं तो जब वो पूरी फील्ड अपनी गोल्डन देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीज़न हैव बोर्न फ्रूट्स इतने एफ़र्ट्स जो उन्होंने तीन से चार महीने तक किए वो फाइनली फ्रूट देते हैं इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अर लिटल अब उनको थोड़े टाइम के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी और वो सिर्फ इन्जॉय करते हैं द पीरियड ऑफ हारवेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय इसी लिए इंडिया में स्पेशली क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती हैं इसीलिए हार्वेस्ट जो पीरियड होता है उसको फेस्टिवल्स की तरह मनाते हैं सो मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाजम स्पेशल फेस्टिवल्स असोसिएटेड विथ हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल बैसाखी होली दिवाली नबन्या एंड बीहू। ओके, नाउ सीड्स को हार्वेस्ट करने के बाद जो लास्ट स्टेप है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का वो है स्टोरेज सो वील स्टार्ट विथ वन पॉइंट नाइन स्टोरेज स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क अब हमने इतनी मेहनत करके क्रॉप प्रोड्यूस तो कर लिया लेकिन उसको स्टोर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी टास्क है इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम अगर जो ग्रेन्स हमने हार्वेस्ट किए उसको एक लंबे समय के लिए रखना है दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उस हार्वेस्टेड ग्रेन को हमको सेफ रखना पड़ता है किस किस से सेफ रखना होता है मॉइस्चर से क्योंकि मॉइस्चर से क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ है वो ख़राब हो सकता है इंसेक्ट से रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ये सारे हार्मफुल होते हैं इसलिए इन सब से हमको उस प्रोड्यूस्ड क्रॉप को बचाना इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स दैट इज सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग अगर उनको बिना ड्राई किए हमने स्टोर कर लिया दे मे गेट्स पॉइंट गीले गीले सीड्स जस्ट हार्वेस्ट के बाद अगर हमने इसको स्टोर कर लिया तो वो ख़राब हो सकते हैं इसीलिए हार्वेस्ट के बाद हम सीड्स को थोड़ा सा ड्राई करते हैं और फिर उनको स्टोर करते हैं दे मे गेट पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर होते हैं जैसे ज्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ होता है विलेजेस में होता है ठीक है तो विलेजेस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वहां पर वो सीड स्पॉइल कर सकते हैं इसीलिए उन सबसे से बचाकर उसको स्टोर करना जरूरी होता है ठीक है हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूज़ द मॉइस्चर इन दैम अब हमने बोला कि मॉइस्चर से खराब हो जाते हैं हारवेस्टेड सीड्स तो जो हार्वेस्टेड सीड्स हैं उनको हम सबसे पहले ड्राई करते हैं ड्राई कैसे करेंगे सनलाइट के अंडर ड्राई करेंगे धूप में ड्राई करेंगे तो धूप में पहले उन सीड्स को सुखाया जाता है फिर उनको हम स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करते टाइम भी हमको ध्यान रखना है कि वो सीड्स जो हैं उन पर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें अटैक बाइ इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंग है अब क्योंकि सीड्स ड्राई हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन सारे ऑर्गेनिजम्स से इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं आप फिगर वन पॉइंट टेन बी में देख सकते हो ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स ये बैग्स कौन से हैं जूट के बैग्स हैं ये या फिर मेटेलिक पिनस भी होते हैं इनकी जगह पर उसमें फार्मर्स ग्रेन को स्टोर करते हैं हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रीनस इज डन इन सिलॉन्स एंड ग्रीनरीज ग्रीनरीज में भी ग्रीनस को स्टोर किए जाते हैं जब वो क्वान्टिटी में ज़्यादा होते टू प्रोटेक्ट देम फ्राम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स और चूहों से बचाने के लिए ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम और घर पे हम कैसे उसको स्टोर करते हैं जो सूखी हुई नीम की पत्तियाँ होती हैं उनसे हम ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब हम जब इतने ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते रिस्क नहीं लेने के लिए हमको ग्रेन्स को केमिकली ट्रीट करना पड़ता है तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली ग्रेन्स पर नहीं डालते हैं लेकिन जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं उनको वहाँ पर बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ उन केमिकल उसको यूज़ किया जाता है ताकि वो ग्रेन पर भी नहीं जाए और ग्रेन डैमेज होने से भी बच जाए तो इन सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रेन पर अटैक नहीं करें लास्टली 1.10 पॉइंट टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स अब इस टेबल में आपको वो फूड मिल लिखने हैं जो कि एनिमल से मिलते हैं फर्स्ट कॉलम में आप फूड लिखेंगे और सेकेंड कॉलम सोर्सेज वाले कॉलम में आप लिखेंगे कि किस किस एनिमल से ये फूड मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क जो है वो काओ, बफलो शीगोट और शीर कैमल से मिलता है ठीक है आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्लांट्स के अलावा एनिमल्स से भी हमको बहुत तरीके का फूड मिलता है प्लांट्स तो होते हैं जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब हमको प्लांट्स से ही मिलते हैं लेकिन वेजिटेबल्स के अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट जो भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो ज़्यादातर फिश खाते हैं ठीक है तो फिश एनिमल्स के अंदर आ गई प्लांट्स में नहीं आती फिश तो एनिमल से भी हमको फूड मिलता है इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ओप्टेन फ्रॉम प्लांट्स प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स से हमको कौन कौन से फ़ूड मिलते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक्सेट्रा ये सब हमको प्लांट्स से ही तो मिल रहे हैं वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्वस अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं सिमिलरली एनिमल Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. Similarly, animals से हमको जो भी फूड चाहिए होता है उसके लिए हम animals को भी store करते हैं farms में रखते हैं ठीक है तो farms में animals को रखने के लिए उनको food भी provide कराना पड़ता है shelter भी provide कराते हैं हम और उनकी care भी करते हैं तो ये ल, जब एक large scale पर animals को किसी भी जगह रखा जाता है इन सारे फूड materials के लिए तो हम उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं ओके सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर वन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट